YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद पहले शुक्रवार के दिन मनाई जाती थी, लेकिन शुक्रवार को चांद का दीदार नहीं होने के चलते ये शनिवार को मनाई जा रही है। जामा मस्जिद के शाही इमाम इमाम बुखारी ने शुक्रवार शाम को इसकी घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को ईद की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये दिन समाज में एकता और शांति लेकर आए। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी और समाज में भाईचारा और आपसी समझ बढ़ाने की कामना की। वहीं पर जो नेता हैं उनका भी ये मानना है कि इस बार जो ईद है वो भाईचारा लेकर आए और लोगों में शांति और एकता बनाए रखे।